सिंह जी, गृह मंत्री भारत सरकार। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री के शर्मा, इस समारोह में उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के महानिदेशक, सभी पूर्व महानिदेशक, मंच और मैदान में उपस्थित सारे अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल में अपनी दायित्व का निर्वाह कर रहे मेरे बहादुर जवानों और उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रथम महानिदेशक पद्म विभूषण रुस्तम जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं और साथ ही आज अलंकरण समारोह भी यहां पर संपन्न हुआ है। सबसे पहले तो जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है, पद्म विभूषण रुस्तम जी, मैं उनके प्रति हृदय की गहराइयों से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रुस्तम जी के बारे में बैठे बैठे एक कोई यहां पर जो बुकलेट प्रकाशित हुई है, उस बुकलेट को मैं पढ़ रहा था। बुकलेट को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सचमुच कितने सूझबूझ वाले वह एक महानिदेशक थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों को, जवानों को किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, मैं सचमुच यह कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई महानिदेशक इतनी सूझबूझ के साथ अपने जवानों को वह दिशा देने के अपने दायित्व का निर्वहन करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे पढ़ने को मिली हैं जो हमारे लिए भी बिल्कुल नई थी और मैं समझता हूं कि पहली जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की गठन की शायद इसीलिए पद्म विभूषण रुस्तम जी के ऊपर ही उस समय के शासन ने सौंपी थी। उनके इस सूझबूझ की, उनके इस विजन की जानकारी उस समय के भी शासकों को रही होगी, नहीं तो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब यह निर्णय हुआ कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सीमा सुरक्षा बल होना चाहिए, तो जहां पर यह कल्पना थी कि सीमा सुरक्षा बल एक होना चाहिए, वहीं पर उसका पहला महानिदेशक कौन होना चाहिए, इसका भी चयन उस समय के जो शासकों ने किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और यहां तक अलंकरण समारोह का प्रश्न है, गृहमंत्री के रूप में मैं दूसरे अलंकरण समारोह में यहां पर भाग लेने के लिए उपस्थित हुआ। यदि मुझसे यदि कोई पूछे तो सचमुच जब कभी अलंकरण समारोह में मैं बहादुर जवानों को, अधिकारियों को सम्मानित करता हूं तो मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव पैदा होता है और उन्हें देखने के बाद, उन्हें सम्मानित करने के बाद मेरा विश्वास निरंतर यह पक्का होता जाता है कि दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि भारत की सीमाओं के ऊपर आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। यह विश्वास और भरोसा हमारे अंदर, और मैं कह सकता हूं जो कुछ भी दो वर्षों के अंदर हमने देखा है सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को, शायद देश को अंदर की बात भले ही न मालूम लेकिन मैं कह सकता हूं उस समय के डायरेक्टर जनरल मिस्टर पाठक थे, उनसे भी बराबर हमारी बातचीत होती रहती थी, क्या हालात थे इसकी भी जानकारी उन्होंने दी थी। और जिस समय यह सरकार आई थी और गृहमंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो कुछ घटनाएं जब हुई थी उस बीच हमारी बातचीत हुई थी, कुछ निर्णय हुए थे और उसके बाद जो कदम उठाए गए, आज मैं कह सकता हूं कि
घुसपैठ की इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं पहले कुछ अधिक संख्या में होती थी आज लगभग 50% की उनमें कमी आ गई। बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है वो आपके शौर्य और पराक्रम का ही परिणाम है, यह मैं मानता हूं। देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे, एक ऐसा माहौल सारे देश में होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के, बिना एक सुरक्षा के भाव के यदि हम देश के का विकास करना चाहते हैं तो देश के विकास करने का हमारा यह संकल्प किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता, हमारा यह स्वप्न साकार नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा, और आज तो हमारा देश दुनिया में जो स्थान दुनिया के लोगों की नजरों में भारत को हासिल है, यह सचमुच हम सभी गौरवान्वित हैं। इससे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आजादी हासिल हुई थी, आजादी के कई वर्षों तक भारत के आर्थिक विकास का जहां तक प्रश्न था तो उस समय भारत की आर्थिक विकास ग्रोथ रेट उस समय अप्रॉक्सिमेटली 3% 3.5% यही रहा करती। दुनिया के दूसरे देशों के इकोनॉमिस्ट कहते थे हमारे इस कच्छप गति से चलने वाले विकास के दर के संबंध में उनकी टिप्पणी होती थी, वह कहते थे कि यह हिंदू ग्रोथ रेट है, यानी बहुत कच्छप गति से, धीरी गति से यह आगे बढ़ने वाले विकास करने वाला देश यह है तो भारत है, और इस ग्रोथ रेट को वह हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 1998 से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, आप सबको जानकारी है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वह अवसर था कि हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 8.4% तक पहुंची थी। काफी समय तक वह मेंटेन थी, और मैं यह नहीं कहना चाहता कि बहुत नीचे चली गई, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि फिर से हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 7.5% पहुंच चुकी है, और हमारी गवर्नमेंट का दृढ़ संकल्प है हम इसे डबल डिजिट तक इसे ले जाएंगे, हम लोगों का यह संकल्प है। और निश्चित रूप से हम लोग मैगजीन्स में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी जब यह कहती हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो भारत की है, तो निश्चित रूप से यह पढ़ते ही हमारा मस्तक गौरव के साथ ऊंचा हो जाता है। स्वाभाविक है कि यदि हमारी प्रगति तेजी के साथ हो रही है, हम विश्व के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर दिया आए हैं, कुछ लोगों की बुरी नजर भी लग सकती है, लगती है, कुछ पड़ोसी भी हो सकते हैं जिनकी कि हमारा यह विकास, हमारी यह प्रगति उन्हें रास नहीं आती होगी। इसे रोकने के लिए वह तरह तरह की नापाक हरकतें करते हैं, करते रहेंगे, और मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं उनकी जिम्मेदारी विशेष रूप से बढ़ जाती है। और मैं कह सकता हूं ये फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिस प्रकार से इन परिस्थितियों में भी अपनी भूमिका निभाई है, इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी कंट्री की, इसके प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा देश में बढ़ा है। इस देश के बॉर्डर मैनेजमेंट का यहां तक प्रश्न है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि चूंकि बॉर्डर पर ही अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, काफी हद तक उनको जानकारी होगी, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने के लिए और जितने भी प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं वह सब सारे प्रभावी कदम उठाने का प्लान हम लोगों ने चेकआउट किया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सीमाएं हैं जो हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित रहें,
चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद बनाया जा सके। आप सबको इस बात की भी जानकारी होगी कि हम लोग लेजर वाल भी खड़ा करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, तकनीकी हस्तक्षेप क्या हो सकते हैं, उस पर भी विचार हुआ है और उनका भी प्रयोग सीमाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। हम लेजर वाल भी खड़ी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है, बराबर वहां पर हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों की जरूरत रहेगी, थी, है और भविष्य में रहेगी। चाहे हम जितना भी सीमा सुरक्षा की दृष्टि से तकनीकी विकास क्यों न कर लें, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कितना भी क्यों न कर लें, लेकिन बराबर वहां पर हमारे सुरक्षा के जवानों की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो देश की सीमा किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं रह सकती। और मैं जानता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए कितनी चुनौतियों का मुकाबला आपको करना पड़ता है, लेकिन सच में फक्र के साथ कह सकता हूं कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हर चुनौतियों पर आप विजय प्राप्त करते हैं। फक्र है मुझे कि आप उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं। कुछ स्थानों पर जाकर मैंने देखा है बर्फीले मैदान हो चाहे चोटियां हो, वहां भी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देखा है, दलदल में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैंने अपने जवानों को देखा है। भीषण गर्मी जहां का टेम्परेचर ही लगभग अप्रॉक्सिमेटली 48-50 डिग्री सेल्सियस हो, वहां पर भी अपने जवानों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हमने देखा है। हर विपरीत परिस्थितियों, चाहे वह सीमा सुरक्षा का मामला हो, चाहे जम्मू काश्मीर की एंटी टेररिज्म ऑपरेशन का मामला हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का मामला हो, चाहे LWE माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर आपने अपनी भूमिका निभाई है और आज भी कई स्थानों पर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका का दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन यह परिवेश बदलता हुआ परिवेश, इस परिवेश में परिवर्तन कैसे आ रहा है? पहले, आज के बहुत वर्षों पहले, तकनीक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब बहुत डेवलप नहीं थी, तब तो व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क करके यदि कोई अपने विचारों से, अपनी आइडियोलॉजी से उसे प्रभावित करना चाहता था तो प्रभावित करता था, और भी दूसरे तरीके थे जिनके माध्यम से वह प्रभावित करता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, दुनिया के किसी देश में किसी भी दूरदराज स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि किसी को अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधारा से वह प्रभावित करना चाहता है तो उसे साफ टारगेट बनाकर उसके मस्तिष्क में अपनी बात, अपनी विचारधारा को वह बैठा देता है। और आप जानते हैं कि आज किस तरीके से यह प्राक्सी वार का दौर चल रहा है। अब यह सारी जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से भी हम लोगों को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस चैलेंज को भी बीट आउट करने के लिए, इस चुनौती पर भी विजय प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पर विचार किया है और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक पूरे बॉर्डर का प्रश्न है, उस संबंध में अभी कुछ ही महीने, डेढ़ महीने पहले मैंने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें कि एक रिटायर्ड होम सेक्रेटरी हैं मिस्टर प्रभात कुमार, उन्हीं की चेयरमैनशिप में टीम की कमेटी बनाई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को और अधिक फुल प्रूफ बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप और उठाने चाहिए, कहां कहां पर लैकुनास हैं, कहां कहां पर गैप्स हैं, उसके बारे में भी वह कमेटी अपनी जानकारी दे और एक
उन्हें 3 महीने का समय दिया गया था। मैं समझता हूं कि वह रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी, तो उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में आप सब भी परिचित हैं, आप जानते हैं कि उसका मैनेजमेंट का जो काम होता है उसकी करने वाली कई एजेंसियां होती हैं। सभी एजेंसियों के बीच एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, यह सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज तक 2 वर्षों के अंदर जो मुझे जानकारी मिली है, जो डिफरेंट एजेंसी काम कर रही हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन में कोई खास कोई कमी रही हो, इस प्रकार की जानकारी कम से कम हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आई है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बॉर्डर के ऊपर जितनी भी एजेंसी काम कर रही हैं उनके बीच एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ये बना हुआ है, इसकी जानकारी मुझे अब तक जो मिली है वो ठीक मिली है। नेगेटिव रिपोर्ट कहीं से नहीं है। वैसे बॉर्डर मैनेजमेंट की दृष्टि से चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सीमा पार से जो आतंकवादी आते हैं वह भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आजकल ये काऊ स्मगलिंग का भी सिलसिला प्रारंभ हुआ है विगत कई वर्षों से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को। जो पहले लगभग 23 लाख की संख्या में गायों की स्मगलिंग होती थी, मुझे रिपोर्ट यह प्राप्त हुई है कि वह घटकर लगभग केवल 3-3.5 लाख रह गई है। और मैं अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी अधिकारी और जवानों से भी मैं कहना चाहूंगा, इस काऊ स्मगलिंग को रोकने के लिए और अधिक हम सबको मुस्तैदी के साथ काम करने की आवश्यकता है, यह रुकना चाहिए। लेकिन यह भी मैं महसूस करता हूं इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हमको कोऑपरेशन चाहिए। राज्य सरकारों को भी हमने इस संबंध में पत्र लिखा है, उनसे भी हमने सहयोग की अपेक्षा की है ताकि गायों की भी स्मगलिंग रोकी जा सके। और एक बिंदु की और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि हम बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं, सीमा पर रहने वाले जो सीमावासी हैं लोग हैं, उनके साथ भी हमारा कैसा संबंध होना चाहिए बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें महसूस होना चाहिए कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान सीमा पर तैनात हैं, हम सीमा पर रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं, हम एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। और इस जिम्मेदारी का निर्वाह सीमा पर रहने वाले लोगों को नहीं करना है, बल्कि मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भाव सीमा पर रहने वाले लोगों के मन के अंदर पैदा हो उसके लिए हमें ही प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। और कई स्थानों पर मैं कुछ सीमा पर भी गया हूं, सीमावासियों से भी मैं मिला हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की सराहना की है, उन्होंने आलोचना नहीं की है। तो एक इस प्रकार का भाव उनके मन के अंदर रहना चाहिए। अभी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है, कुछ बांग्लादेश की तरफ रहने वाले कुछ हमारे लोग इधर भारत की तरफ आए हैं, उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव, भरोसा का भाव हम पैदा करने की अपनी तरफ से यह कोशिश करें, यह हमारी अपेक्षा है। और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए की दृष्टि से देखें तो स्मार्ट सेंसिंग, बॉर्डर सर्विलेंस, ये बहुत सारे ऐसे नए विकल्प हैं। मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर, क्योंकि उसी क्षेत्र में आप सब काम करने वाले हैं, बेहतर जानते हैं। और मैं समझता हूं कि बॉर्डर सुरक्षा के दृष्टि से जहां पर हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात सोचते हैं अथवा नए एप्लीकेशंस की बात हम सोचते हैं, वह तो अपनी जगह पर है, लेकिन यह भी बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान सीमा पर काम कर रहे हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग का काम भी चलते रहना चाहिए। और ये अधिकारियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी यह बनती है, यह भी इंश्योर करें, यह सुनिश्चित करें कि सीमा पर काम करने वाले हमारे जवानों को स्ट्रेस के दौर से न गुजरना पड़े। जहां तक कोशिश कर सकते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनको स्ट्रेस के दौर से न गुजरना पड़े।
अब उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, यह मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से और हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस संबंध में भी मैंने सोचा है कि एक थिंक टैंक होना चाहिए और मैं एक थिंक टैंक भी बनाने के संबंध में होम सेक्रेटरी को अपनी तरफ से मैंने कुछ कहा है। और सीमा सुरक्षा पर आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी उसी का एक पार्ट है, हम लोग बना रहे हैं। लगभग 635 करोड़ रुपए की लागत से 13 स्थानों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कुछ बन गए, कुछ अभी बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि आगामी एक डेढ़ महीने के अंदर कुछ इंटीग्रल चेक पोस्ट वो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे और शेष सितंबर अक्टूबर और थोड़ा आगे का भी समय जाएगा, उसे हम लोग ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सीमा प्रबंधन की दृष्टि से यहां तक सरकार का प्रश्न है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी अधिकतम हो सकेगा सीमाओं की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए वह सरकार की तरफ से होगा। और देश आप सबकी देखरेख में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, मैं इसके प्रति आश्वस्त हूं। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार महानिदेशक पद्म विभूषण रुस्तम जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अपनी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं समझता हूं कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनका जीवन एक प्रेरणा के स्रोत, एक प्रेरणा के केंद्र के रूप में सदैव हम सबको प्रेरित करता रहेगा, हम उसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे, यह संकल्प लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।